नमस्कार, हमारे आज के एस्ट्रो एक्सपर्ट्स के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट आशीष शर्मा जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। आज हमारा जो विषय होगा जिसपे होगी चर्चा हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट आशीष शर्मा जी के साथ, वो है घर में सुख और शांति कैसे लाई जाए और व्यापार में समृद्धि कैसे पाएं। आशीष जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो राशियां जिसके ऊपर आप हमें बताने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं, हर एक टॉपिक यानी हर एक राशि के बारे में आप बताएंगे कि घर में सुख शांति कैसे हो और व्यापार में कैसे समृद्धि लाई जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों को लिए समय थोड़ा सा समाधान पूर्वक है। धन की जो कमी थी वो धन की कमी अभी कम हो रही है, पर अन्यथा ना लें। किस प्रकार का कर्ज से बचना है, आर्थिक नीतियों को बराबर से बना के चलना है। कहीं आर्थिक नीतियां कहीं बिगड़ी तो स्थिति और बदतर हो जाएगी। धन के संबंधित जो सावधानियां हैं वो बेहतर से बेहतर करनी है। किसी प्रकार का भी अनावश्यक निवेश ना करें। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले घर में सुख समृद्धि के लिए जो उपाय करने चाहिए, जो उपचार करने चाहिए, तो घर में तांबे के बर्तनों का उपयोग करें। किसी प्रकार का भी जंग लगा हुआ लोहा घर में ना रखें। घर में हमेशा तुलसी के पौधे पे असली घी का दिया जलाएं। इससे मेष राशि वाले जातकों को घर में सुख समृद्धि की आगमन होगा जी। और आपने जैसे बताया कि व्यापार में भी अगर उन्हें सुख समृद्धि चाहिए, वृद्धि चाहिए, तो उसके लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले एक चीज तो मानी गई है कि मेष राशि वाले जातक निर्णय लेने में इतने सावधान नहीं होते। सबसे पहले उन्हें अपने आप को समृद्ध बनाना है, धनवान बनाना है, तो निर्णय किसी न किसी सहायक व्यक्ति से, किसी योग्य व्यक्ति से, किसी सज्जन पुरुष से जरूर सलाह मशवरा करना चाहिए। निवेश करने से पहले गहराई से ध्यान देना चाहिए, ज्ञान गहराई से सोचना चाहिए। दूसरा, व्यापार स्थान पे कुबेर यंत्र की स्थापना करने से व्यापार में समृद्धि आती है। तो ये थी हमारी मेष राशि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वृषभ इस राशि के बारे में। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छा समय की पहल है। जो मन में सोचा है वो कार्य बन रहे हैं, पर घर में किसी डॉक्टरी खर्चे की संभावना बढ़ रही है। घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। एक चीज़ की विशेष सावधानी बरतनी है कि किसी भी चीज़ के पीछे ज़्यादा समय निवेश ना करें। जहाँ आप काम कर रहे हैं उसी काम पे ही डट के रहना है, उसी काम को करना है। ये सलाह विशेष वृषभ राशि वालों को दी जाती है। वृषभ राशि वालों जातकों के लिए घर में सुख समृद्धि, व्यापार में सुख समृद्धि के लिए चांदी के बर्तन का विशेष उपयोग करना है। घर में तिल के तेल का दिया दीपक जो है ज़रूर लगाना है। घर में बिलपत्र का वृक्ष ज़रूर लगाएं, इससे घर में सुख समृद्धि होगी। व्यापार स्थान में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक बांसुरी अपने व्यापार स्थान पर पूजा स्थल में रखें, इससे आपके घर में और व्यापार में सुख समृद्धि होगी और आर्थिक उन्नति होगी। जैसे आपने बताया कि घर में भी सुख शांति प्राप्त होगी अगर ये सारे उपाय करे जाएं और साथ ही साथ व्यापार में भी समृद्धि हासिल होगी। जी जरूर। तो बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की ओर, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक दुविधा भरा समय है। क्या करें क्या ना करें, कुछ चीज़ें जो हो रही हैं आप बेहतर हो रही हैं, पर उस पर संदेह जो है आपका है वो संदेह अच्छा नहीं है। बिना संदेह कार्य करें। दूसरा, स्त्री का अपमान न करें। किसी यात्रा को टालने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगी। वो यात्रा जो भी होगी वो आर्थिक रूप से फलदायक नहीं होगी। विशेष तौर से ध्यान रखना है, सुबह प्रातः जल्दी उठ के भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। ये सप्ताह आपका सामान्य से कुछ बेहतर होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विशेष जो एक चीज़ है,
किसी भी कांसे का बर्तन घर में रखें, उसमें जल पिएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और व्यापार में सुख समृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग के मिथुन राशि वाले वालों के लिए एक विशेष उपाय है, हनी जो बोलते हैं, मधु जिसको बोलते हैं, अपने व्यापार स्थान के मंदिर में रखें। इससे आपके व्यापार में आर्थिक उन्नति होगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, कर्क राशि की ओर। कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो एक विशेष सावधानी बरतनी है कि घर में सुख शांति हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अन्यथा आपके कुछ शब्द आपके घर में किसी प्रकार का भी असुखपूर्वक माहौल पैदा होगा। दूसरी चीज़, कर्क राशि वालों के लिए इस समय में जो ग्रह स्थिति चल रही है, स्वास्थ्य आपका उतना अच्छा नहीं रह पा रहा, तो ये इस बात का ध्यान रखें, खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करें। इससे आपका ये सप्ताह सामान्य से थोड़ा बेहतर होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए विशेष एक चीज़ है जो उन्हें करनी है, घर में शंख की स्थापना करें। शंख में जल डाल के रोज अपने घर में इसका छींटा मारें और वो जल को थोड़ा ग्रहण करें। ऐसे करने से घर में सुख समृद्धि होगी। और दूसरा, व्यापार में लक्ष्मी यंत्र की स्थापना करें। ऐसे करने से आपके व्यापार में धन का आगमन होगा, स्थिति बेहतर होगी। तो हमने जाना कर्क राशि के बारे में, अब जानते हैं क्या है सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वाले जातकों का आत्मविश्वास बहुत बड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। समय अच्छा चल रहा है, पर उस आत्मविश्वास का दुरुपयोग ना करें। किसी बड़ों का कहना माने, क्योंकि इस समय में आप अपने ही धुन में चल रहे हैं, वो कहीं आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। किसी मित्र सहयोगी का प्रियजन से भेंट हो सकती है। व्यापार में कुछ नए काम में निवेश करने के लिए समय बेहतर है। सिंह राशि वालों के लिए विशेष दूध करना चाहिए, केसर और चंदन का तिलक नित्य करें। ये सप्ताह आपका उत्तम रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो विशेष चीज़ करनी है, स्वर्ण का कोई भी आभूषण शरीर पर धारण करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि होगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए कोई भी टूटा हुआ सोने का आभूषण घर में ना रखें, इससे सुख समृद्धि में खंडित हो सकता है, कुछ कष्ट आ सकते हैं धन संबंधित, तो ध्यान रखें। स्वर्ण आदि के कोई भी आभूषण बनवा लें या पहने, उससे आपके घर में और व्यापार में सुख समृद्धि होगी। सिंह राशि वाले विशेष अपने व्यापार स्थान पे चंदन जरूर रखें। चंदन पाउडर रखने से आपके व्यापार स्थान में उन्नति होगी और आर्थिक स्थिति और उत्तम बनेगी। तो आइए अब बढ़ते हैं और जानते हैं कन्या राशि के बारे में, क्या है कहना हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट का। कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय तो अच्छा है, पर निर्णय कुछ गलत जा रहे हैं। आप दिशा सही में जा रहे हैं, पर वो संदेह अपनी दिशा पे कर रहे हैं। आर्थिक नीति आपकी उत्तम है, पर निवेश करने से मन में जो भय है वो हटा दें। निवेश करने के लिए एक उत्तम समय है, ये बात का विशेष ध्यान रखें। न कर्जा लेना है न कर्जा देना है, ये सप्ताह कर्जा लेन देन के लिए उत्तम नहीं है। घर में सुख समृद्धि के लिए एक छोटा सा उपाय जो कन्या राशि वालों को करना चाहिए, वो अक्षत का दान जो है, नित्य एक थोड़े से अक्षत रोज दान करने चाहिए, या अक्षत जो है शिव मंदिर में शिव भगवान शिवलिंग पे चढ़ाने चाहिए। इससे व्यापार में और घर में सुख समृद्धि होगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए घर में लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा को लाएं, रोज पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। ऐसे करने से घर में सुख समृद्धि होगी, व्यापार में उन्नति होगी। कन्या राशि वाले अपने व्यापार में मोर पंख का स्थापना करें, अपने पूजा स्थान पे मोर पंख रखें। ऐसे रखने से आपके व्यापार में लक्ष्मी स्थिर रहेगी। जी, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला राशि के बारे में, क्या है इनका कहना। तुला राशि वाले जातकों के लिए समय
कुछ पारिवारिक विवादों से घिरा हुआ है। परिवार में कुछ भी असंतोष जो चल रहा है उसे मिटा दें। कि परिवार में जो भी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं उसको सुधारने का समय है। अगर विवाद बढ़ा रहे हैं तो विवाद आगे चल के और बढ़ सकता है। व्यापार में कहीं ना कहीं धन की कमी है ज़रूर, उस धन की कमी को संभाल के चलें, क्योंकि वो धन की कमी आने वाले समय में उत्तम हो जाएगी, वो धन की कमी पूरी हो जाएगी। इस समय धन को लेके ज़्यादा चिंता न करें, धन आपके भाग्य अनुसार आपको मिल जाएगा। ये सप्ताह आपका मध्यम से थोड़ा उत्तम है। तुला राशि वाले जातकों के लिए एक विशेष उपाय जो करना है, उनको चंदन और केसर दोनों को मिश्रित करके अपने घर में पूजा स्थान पे रखें। घर से निकलने से पहले उसका तिलक अपने मस्तक पे, अपने कंठ पे करें। ऐसे करने से घर में सुख समृद्धि होगी और तुला राशि वाले जातक अपने पूजा स्थान पे केसर की एक चांदी की डिब्बी में केसर भर के रखें। ऐसे में व्यापार की स्थिति और उत्तम होगी। तो चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि और सूर्य की स्थिति जो समय में चल रही है बिल्कुल संदेह पूर्वक है। मन में काफी संदेह है, मन में अस्त व्यस्तता है, कहीं मानसिक तनाव भी बढ़ा हुआ है। घर में स्त्री वर्ग से आपकी बिल्कुल नहीं जम रही, ये विशेष ध्यान रखें। आपके माता का स्वास्थ्य उत्तम हो, अगर स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी कहीं कमी है तो डॉक्टरी परामर्श जरूर लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष एक सावधानी बरतनी है कि धन की स्थिति और थोड़ी कठिनाई वाली आने वाली है, तो धन के संबंधित कुछ भी ऐसा अटपटा निर्णय ना लें जो आगे चल के आप फंस जाएं। किसी भी भूमि भवन आदि बेचने के विचार बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए हानिकारक साबित होंगे आगे चल के। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक जो विशेष उपाय है, बाजार में एक आसान सी चीज़ मिलती है, कौड़ियाँ। वो कौड़ियों को अपने व्यापार स्थान पे स्थापित करें, 11 कौड़ियों को किसी पीले वस्त्र पे। ऐसे करने से घर में सुख समृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक विशेष उपाय, सोमवार के दिन घर के चारों कोनों में गंगा जल का छीटा करें। ऐसे करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि होगी। तो चलिए अब जानते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वाले जातक विशेष अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। हेमंत ऋतु के कारण आपके काफी शारीरिक कष्ट आ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं। डॉक्टरी सलाह आपके लिए सर्वोत्तम है, वही माने। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। इस समय में छोटी मोटी यात्रा का योग बन रहा है, छोटी मोटी यात्रा से लाभ होगा। घर में अतिथि आगमन की कोई स्थिति बन रही है, अतिथियों की सेवा करें। भगवान कृष्ण के मंदिर में माखन मिश्री का भोग लगाएं, ये सप्ताह आपके लिए सामान्य से उत्तम रहेगा। वृश्चिक धनु राशि वाले जातकों के लिए जो विशेष उपाय है, हल्दी का एक तांबे के कटोरी में हल्दी को रख के अपने व्यापार स्थान पर स्थापित करें। हल्दी स्थापित करने से आपके व्यापार में आने वाली जो बाधाएं हैं वो शांत होंगी और व्यापार में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होगी। आइए अब जानते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये एक सावधानी पूर्वक समय है। आप जो भी कर रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं, आप अपनी क्षमता से काफी कम कर रहे हैं। क्षमता को बढ़ाएं, आलस को त्यागना है समय में। मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेष एक चीज का ध्यान रखें, किसी के बहकावे में नहीं आना है। समय में आप एक मदमस्त हाथी जैसे चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कष्टदायक होगा। आने वाले समय के लिए उत्तम करना है तो घर में स्त्रियों के माताओं को, बड़ी स्त्रियों को, माँ को, बहन को चरण स्पर्श करके घर से निकलें। ये सप्ताह कुछ कष्टकारक है, सावधानी पूर्वक सप्ताह गुजारना है और कोई नया निर्णय नहीं लेना है। मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेष जो उपाय है, घर में कुछ भी पुराना लेदर की कोई भी वस्तु,
कोई भी जंग लगा हुआ लेदर, कोई भी जंग लगा हुआ तांबा घर में बिल्कुल नहीं रखना है। अगर है तो उसे तुरंत दान कर दें, उसे बेचें ना। दूसरी, किसी भी प्रकार का लोहे का वस्तु का दान करें, मकर राशि वालों के लिए विशेष रहेगा। अपने व्यापार स्थान पे घोड़े की नाल को लगाएं मुख्य द्वार पे, व्यापार में सुख समृद्धि होगी। मकर राशि वाले स्त्री जातकों के लिए थोड़ा कष्टदायक समय है। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं हेमंत ऋतु के कारण पैदा हो सकती हैं, विशेष ध्यान रखें मकर राशि वाले। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वाले के लिए ये समय एक उत्तम दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। समय तो अच्छा है, पर आप कहीं ना कहीं बड़ों का अनादर ना करें। आप जो भी कर रहे हैं उस करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लें, अपने बड़ों की सलाह ज़रूर लें। आर्थिक नीतियां आपकी अच्छी हैं, आर्थिक नीतियों को और उत्तम बनाने के लिए आप किसी निवेशक की सलाह लें, अन्यथा कहीं छोटा मोटा नुकसान होने की स्थिति पैदा हो सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए किसी भी मंदिर में या गौशाला में जल सेवा ज़रूर करें, गऊओं को जल पिलाएं, किसी मंदिर परिसर में मटका आदि जल भर के दान करें, ये करने से उत्तम स्थिति होगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष जो उपाय है, आपका पहना हुआ कोई भी चप्पल या जूता किसी भगवान राम मंदिर में या भगवान हनुमान मंदिर में जाके पहन के मुख्य द्वार से बाहर छोड़ के चले आएँ। इससे आपके आने वाले जो व्याधियां हैं, जो कष्ट हैं, वो दूर होंगे। एक काला धागा सर से लेके पैर तक नाप के उसको अपने गले में धारण कर लें। शनिवार को वो धागा बहते हुए पानी में विसर्जन कर दें। सामान्य से उत्तम सप्ताह है कुंभ राशि वालों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी आखिरी राशि यानी मीन राशि के बारे में। मीन राशि की धन स्थिति पहले से काफ़ी मजबूत हो रही है, काम अच्छे से अच्छे बन रहे हैं, यात्राएं के योग बन रहे हैं। यात्राओं को टालना पड़ेगा क्योंकि यात्रा से कुछ हानि हो सकती है, कोई छोटी मोटी दुर्घटना के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में कुछ नरम गरम चीज़ें चल रही हैं। मीन राशि वालों को विशेष हड्डियों का ध्यान रखना चाहिए इस समय में, जो हेमंत ऋतु है मीन राशि वालों के लिए अच्छी नहीं कही जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मीन राशि वाले जातक अपने घर में किसी प्रकार का नवीनीकरण, किसी प्रकार का रिकंस्ट्रक्शन ना कराएं, समय अनुकूल नहीं है रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। मीन राशि वालों जातकों के लिए किसी पुण्य नदी का जल अपने पूजा स्थान पर आके रखें, उसकी नित्य पूजा करें, वो जल अपने घर के पीने के पानी में रोज एक एक बूंद डाल के वो जल पिएं, ऐसे घर में सुख समृद्धि होगी। व्यापार स्थान पर लक्ष्मी कुबेर यंत्र का स्थापना करें, नित्य पूजा अर्चना करें, व्यापार स्थान पे गुग्गुल का रोज को गुग्गुल प्रज्वलित करें, ऐसे में धन की स्थिति और उत्तम होगी। तो ये थी हमारी राशियों के बारे में जानकारी। आइए अब बढ़ते हैं हमारे फ्यूचर फोरकास्ट सेक्शन में। आशीष जी, आपने पिछली बार हमें बताया था हमारे पिछले सेशन में कुछ जल संबंधित आपदाएं आ सकती हैं, तो यही हम सुन रहे हैं अभी कि चेन्नई में जो हो रहा है ये हम सभी को पता है। हम जानना चाहेंगे कि और क्या फोरकास्ट आप कर सकते हैं जो हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, निवेश के लिए जो दर्शक निवेश करना चाह रहे हैं तो सोने में निवेश करना इस सप्ताह ठीक नहीं होगा, सोने में गिरावट की काफ़ी संभावना है। हालांकि चांदी बरकरार रहेगी, चांदी में कुछ उतार चढ़ाव मामूली से होंगे। ये जो आने वाला सप्ताह है ये देश के लिए आने वाली आतंकवादी गतिविधियों के लिए कुछ उत्तम नहीं है। कुछ शरारती तत्वों के कारण देश में कुछ छोटी मोटी हिंसाएं होंगी, कुछ आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी इस सप्ताह में। कहीं देश विदेश में कोई बहुत बड़ी आपदा आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा होगी। ये समय शनि का वृश्चिक राशि में चलना सूर्य के साथ दोनों जल तत्व ग्रह में राशि में पड़ने से ये कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। राजनीति में भी उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ राजनीति में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आज तक हमने न देखी होंगी न सुनी होगी।
यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो टेररिज्म बढ़ सकता है, कुछ हिंसाएं बढ़ सकती हैं इस हफ्ते, तो ये देश के लिए प्रतिकूल होगा। देखिए, देश के लिए तो प्रतिकूल है, पर जब शनि कमजोर पड़ता है तो हमारी राजनीति में तो मजबूती आती है, पर आर्थिक नीतियां बिगड़ जाती हैं। अब आप यही देख रहे हैं, भारत में डीमोनेटाइजेशन जो चल रहा है, लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। गुरु का बुध के राशि में स्थिर हो जाना और शनि का जल तत्व राशि में चले जाना, ये पराशर शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना गया है। ये स्थिति 14 दिसंबर तक की कुछ स्थिति ठीक नहीं रहेगी, पर 14 दिसंबर के बाद हालातों में थोड़ी सी सुधार होगी। तो ये थे हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट आशीष शर्मा जी आज हमारे साथ, और हमने जाना कि घर में सुख शांति कैसे लाई जाए और व्यापार में वृद्धि कैसे लाई जाए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये सप्ताह शहरवासियों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी, हिंसा हो सकती है देश में, टेररिज्म बढ़ सकता है। अगर हमारे दर्शक हमें संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, तो फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।